मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स, सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर, लेसन एट, द फन दे हैड। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रिमेनिंग चैप्टर एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। श्योर इफ दे वर द सेम एज, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीच्स एंड दैट ईच काइंड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। हर बच्चा एक ही चीज पढ़ता है, अलग अलग सब्जेक्ट नहीं होते। फ़र्क सिर्फ इतना था कि बच्चे जो थे सेम एज का होना ज़रूरी था। बट मार्गी की मदर कहती है कि बड़ी अजीब, अब जो मैकेनिकल टीचर है हर बच्चे के अकॉर्डिंग सेट किए हुए हैं। मार्गी कहती है कि बड़ी अजीब है जो मैकेनिकल टीचर होती है, अलग अलग बच्चे जो हैं हर बच्चे के अकॉर्डिंग सेट किए हुए हैं। अलग अलग बच्चों को उनके अकॉर्डिंग अलग अलग जो है पढ़ाई करनी होती है, उनके इंटरेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट मार्गी एंड क्विकली शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। मार्गी इतना कह रही है होती है कि उसको अजीब लग रहा है। अगर तुम्हें इतना अजीब लग रहा है, जो टॉमी कहता है कि तुम मत पढ़ो, वो मार्गी को कहता है, मैंने ऐसा कब कहा, मैंने तो इन फ़नी स्कूल के बारे में जो है और पढ़ना है। फ़नी इसलिए क्योंकि इन जो है इनमें काफ़ी चीज़ें जो हैं डिफरेंट थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गी मदर कॉल्ड। मार्गी स्कूल, मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, नाउ सेड मिसेस जॉन्स, एंड इट प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मे बी ही सैड ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड स्कूल टाक्ड बीनीथ हिज आर्म्स। अब उसकी मदर कहती है, मार्गी जैसे ही ख़त्म करती है तो उसकी मम्मी जो है उसे बुला लेती है। उसकी मम्मी उसको बुलाती है, मार्गी मदर कॉल्ड, एंड वो कहती है कि आ जाओ, अब तुम्हारे स्कूल का टाइम शुरू हो गया है। नाउ सैड, नहीं मम्मा, मुझे अभी नहीं पढ़ना। मॉम, मिसेस जॉन्स बहुत डांटते हुए कहती है, जाओ अभी जाओ, मुझे लगता है कि टॉमी के स्कूल जाने का टाइम हो गया है, क्या तुम मुझे पढ़ने के बाद बुक दोगे? अब टॉमी को वो कहती है, मार्गी सैड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक, क्या तुम मुझे पढ़ने के बाद बुक दोगे? हाँ, शायद तुम्हें दूंगा, विशल करते हुए वो बुक को हाथ में लेकर चला जाता है। फिर मार्गी वेंट टू इन टू द स्कूल रूम। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज एन ऑल एंड वेटिंग फॉर हर। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, बिकॉज हर मदर सैड लिटल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। फिर मार्गी जो है वेंट अपने स्कूल रूम में जाती है, जो उसके बेडरूम के साथ ही था, कमरे में साथ ही था। मैकेनिकल टीचर जो ऑन थी काफ़ी टाइम से उसका वेट कर रही थी। उसकी टीचर हमेशा सेम टाइम पर जो है सेम डेट पर ऑन रहती है, सिवाय सैटरडे और संडे के, क्योंकि उसकी मॉम को लगता है छोटी लड़कियां ज़्यादा अच्छे से पढ़ती हैं, उन्हें फिक्स टाइम जो है पढ़ने के लिए जो होता है फिक्स टाइम की ज़रूरत होती है, फिक्स टाइम पढ़ने के लिए दिया जाए। और स्क्रीन ऑन थी, उस पर लिखा था आज का लेसन फ्रैक्शन है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, लिमोन थी, एंड इट सैड टू डेज अरिथमेटिक लेसन, इट इज़ ऑन द एडिशन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। जो ऑन थी फ्रैक्शन को ऐड करना था, अब वो लिख रही थी कि अपना होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में डाल दो। मार्गी डिड सो विद द साइज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड वेन द ग्रैंड फादर वॉज अ लिटल बॉय एंड ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। अब जो मार्गी जो वो सब करती है कि वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी, उस टाइम को इंजॉयमेंट कर रही थी, कि उस टाइम के बारे में सोच रही थी कि उन्होंने कितना इंजॉय किया होगा जब वो बच्चे रहे होंगे। वो अपने ग्रैंडफादर के जो के बारे में सोच रही थी, जब सारे बच्चे एक ही साथ बिल्डिंग में रहते हैं, काम करते हैं, एक साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं, कितना मज़ा आया होगा स्कूल में साथ जाना, साथ में काम करना, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम एंड गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। एंड द टीचर्स वर पीपल, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन वेन वी एट द फ्रैक्शन 1, 2, and 1, 4। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डे, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड।
अब मार्गी क्या कहती है, मार्गी सब कहती है कि पुराने स्कूल के बारे में सोच रहती है, उस टाइम को इंजॉयमेंट करती है कि जब वो बच्चे रहे होंगे, उनके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जब बच्चे रहे होंगे उन्होंने कितना इंजॉय किया होगा, और वो एक ही बिल्डिंग में पढ़ते होंगे, एक साथ काम करते होंगे, एक साथ खेलते होंगे, एक साथ उन्होंने मस्ती करी होगी, एक साथ वो घर आते होंगे, कितना मज़ा कर रहे होंगे। लेकिन वो होमवर्क के बारे में बात करना, डिस्कशन करना एक इंजॉयमेंट की बात कर रही है। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश करते हैं और वो प्रॉपर फ्रैक्शन दिखाती है, हाफ और हाफ वन फोर्थ को ऐड कीजिए। मार्गी उस टाइम पर सोच रही होगी कि उन्होंने कितना मज़ा किया होगा। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, उन्होंने पुराने समय में कितना मज़ा किया होगा, वो कितना मज़ा करते होंगे। एंड्स में वो कहती है कि उन्होंने कितना, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड भी, उन्होंने लास्ट में वो बोलती है कि उन्होंने कितना इंजॉयमेंट किया होगा। ये बेटा हमारा लेसन था द फन दे हैड, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।